सबसे पहले हमें सभी कबाड़ से छुटकारा पाने की जरूरत है। यहाँ इतनी सारी बेकार की चीजें क्यों हैं? मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि सफाई के दौरान मेरी सुपर पावर काम आएंगी। चलो इसे भी यहाँ से हटा देती हूँ, मुझे ज्यादा जगह की जरूरत है। मैं बिस्तर भी ला सकती हूँ, लेकिन इतना काफी नहीं है। जरूरी बात बाकी छोटे कचरे से छुटकारा पाना है। ठीक है, लगता है मैंने सब कर लिया। और अब आगे हमारे लिए क्या है? लगता है अब लिली की बारी है। क्यों नहीं, अब मैं यहाँ जादुई मिट्टी डालूंगी ताकि मैं इस पर अपनी जादुई बीज लगा सकती हूँ। और मैं उस पर पानी डाल दूंगी, यह मेरी जादुई शक्ति है। अब यह बीज जल्दी ही उग जाएगा। बेड के रूप में। वाह, वो कितना खूबसूरत है और मजबूत भी। वाह, लेकिन एक बिस्तर हमारे लिए काफी नहीं होगा, हमें तुरंत दूसरे को लाने की जरूरत है। मैं और मेरी उग्र शक्तियाँ निश्चित रूप से ऐसा कर पाएंगे। तैयार हो जाओ, अब हमारे पास दो अच्छे बिस्तर हैं। तो दोस्तों, पेंटिंग शुरू करने का समय आ गया है। यह समझ में आ रहा है कि पेंटिंग करना बहुत रिलैक्सिंग है। लगता है मेरे पास एक अच्छी हॉबी है। इन पौधों की वजह से मुझे पेंटिंग करने में दिक्कत आ रही है। हाँ, अब ठीक है। छी, यह क्या है, कितना गंदा। हाँ, पेंट से इसे छुपा देना चाहिए। यह बहुत सुंदर होगा। दोस्तों, मत भूलना कि हमारे पास बंक बेड है, इसलिए हमें सीढ़ियों को भी पेंट करने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन ऊपर तक पहुंचने के लिए क्यों ना हम अपने पावर का उपयोग करें? खैर, मैं कोशिश करूंगी कि दूसरी मंजिल को भी पूरी सावधानी से पेंट करूं। यह पहले की तरह ही सुंदर है। मैं यहाँ सोना चाहूंगी। हमारा बेड बहुत खूबसूरत दिख रहा है। मैं अपने लिए निचला हिस्सा लूंगी। दोस्तों, हमने कितना अच्छा काम किया है। पहला चरण बीत चुका है। अब हमें इसे अच्छा और आरामदायक बनाना होगा, और इसके लिए मैं अपने बेड पर बहुत सारे तकिए रखूंगी। इसके अलावा इसे पौधों से सजाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना सुंदर है। इसके बाद सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों पौधे इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। यह ना केवल एक अच्छी सजावट है, बल्कि इससे असली दीवारें भी बना सकते हैं, ताकि कोई सोते समय परेशान न करे। वाह लिली, तुम्हारा काम लगभग पूरा हो चुका है। अब समय है मेरे अपने बिस्तर को सुधारने का। एक हल्का पफी बादल से मुलायम कुछ नहीं हो सकता है। मैं इसे हर तरफ अच्छे से फैला देती हूँ, एकदम सही। और अब थोड़ी लाइटिंग। कितना सुंदर है। यह ऐसा है जैसे मैं एक असली बादल पर बैठी हूँ, असली जादू की तरह। मैं भी अपने बिस्तर पर बहुत सारे तकिए और कंबल रखूंगी, लेकिन मेरे लिए काफी नहीं है। मैं यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाऊंगी। हे लूसी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे तुम्हारे हाथ की जरूरत है। हाँ, क्यों नहीं, एक दोस्त के लिए सब कुछ करूंगी। धन्यवाद, बस अब इसमें पानी भरना ही रह गया है। हाँ, क्यों नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत बढ़िया। अब मेरा बिस्तर और भी मजेदार हो गया है। पानी में खेलने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि हर कोई मेरी बात से सहमत होगा।
खासकर जब आसपास ऐसे प्यारे बत्तख हों। बस अब बहुत हो गया। लूसी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मुझे सुखा सकती हो प्लीज? मैं थोड़ी भींग गई हूँ। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा ध्यान मत हटाओ, मैं ध्यान कर रही हूँ। लाल कंबल और लाल तकिए से ज्यादा आरामदायक कुछ नहीं है। ओह, जब मैं बिस्तर सजा रही थी मुझे जोरों की भूख लगी थी। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि मैं आज लंच में क्या खाने वाली हूँ। पहले मैं आग जलाऊंगी। क्या आपको नहीं लगता कि यह ठंडे कमरे के लिए एकदम सही रहेगा? और अब इस आग पर मैं अपना फेवरेट नाश्ता तैयार करूंगी, स्वादिष्ट भुना हुआ मार्शमेलो। मुझे मार्शमेलो बहुत पसंद है। दोस्तों, मुझे बॉन एपिटीट कहो। यहाँ किसी चीज की कमी है, मुझे यहाँ कुछ और भी लगाना होगा, जैसे कि फूल। ये मेरे इंटीरियर में पूरी तरह फिट होंगे। और अब थोड़ी सी रोशनी की व्यवस्था करनी होगी। एकदम सही। मुझे भूख लग रही है। हे, अगर हमारे बिस्तरों के बगल में एक संतरे का पेड़ उगता है तो क्या किसी को कोई आपत्ति है? वाह, मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया, मुझे संतरे पसंद है। इसके अलावा यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मुझे केवल फल और सब्जियां खाना पसंद है। मैं लिली से सहमत हूँ, मुझे भी किसी चीज की कमी लग रही है। मुझे लगता है कि लाल पर्दे पूरी तरह फिट होंगे। ओह हाँ, अब बिल्कुल घर की तरह महसूस हो रहा है। यह बहुत आरामदायक और सुंदर है। केवल मुझे भी कुछ लाइट्स लगाने होंगे। अब सब कुछ एकदम सही है। हाँ बस, अब सब ठीक है। ओह, मैं बोर हो रही हूँ। मुझे भी अपने बंग बेड को थोड़ा और सजाना होगा। तो प्यारी मछली, मैं जल्दी तुम्हारे से एक स्वादिष्ट डिश बनाऊंगा। चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हें इस आदमी को नहीं दूंगी। अरे मछली कहाँ है, मैं क्या खाऊंगा? अब मेरा एक दोस्त है, मैं इसे नाम दूंगी नीमो। उसके साथ मेरी छोटी सी पानी की दुनिया और भी ज्यादा खूबसूरत होगी। मैं और क्या जोड़ सकती हूँ? बिल्कुल, पर्दे लगा देने से मैं एकांत में रह सकती हूँ, यह ठीक रहेगा। अब मेरे पास अपनी जगह है जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ी सी रोशनी से कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना सुंदर। मैं अपने दोस्त बादलों को मिस कर रही हूँ, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम लोग कैसे हो? ओह हाँ, मैं अपने बादलों के बीच में एक इंद्रधनुष को फिट करूंगी। इंद्रधनुष को कौन पसंद नहीं करता? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा। कितना सुंदर और प्यारा है, मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ लड़कियों, तुम सही कह रही थी, मैं भी पर्दे लगाऊंगी। पर्दे का उपयोग मैं आसमान बनाने के लिए करूंगी, जहाँ मेरे बादल रहेंगे। और अब मैं लाइट लगाऊंगी। तो यह कैसा लग रहा है? मुझे तो यह शानदार लग रहा है। लड़कियों, हमारा सब काम हो चुका है, तो चलो जश्न मनाने के लिए डिस्को की व्यवस्था करते हैं। मैं डांस पार्टी की बात कर रही हूँ, तुम लोगों को यह बहुत पसंद आएगा। वाह, कितना मजा आ रहा है। अच्छा आइडिया रहा, मैं भी कुछ लाऊंगी। मैंने अच्छा केक बनाया है, अब बस फाइनल टच बाकी है। अरे वाह, केक! बिल्कुल मुझे यही चाहिए। आज कैसा दिन है, मेरा सारा खाना कहाँ चला जाता है?
देखो दोस्तों, मैं केक लाई हूँ। चलो इसे जल्दी से खाए। यह हमारे घर के सम्मान में है। थैंक यू। धन्यवाद। मैं भी एक टुकड़ा लूंगी। कितनी अच्छी सुगंध है, कितना स्वादिष्ट। लेकिन एक टुकड़ा स्पष्ट रूप से काफी नहीं है। अच्छी बात है कि लिली के पास और है। उंगलियां चाट कर खाने लायक। अरे जैस, तुमने मेरा केक चुराने की हिम्मत कैसे की? मैंने सोचा था कि अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, पर तुमने मुझे मजबूर किया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम चोर, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सब तुम्हारी गलती है। अरे कोई बात नहीं, हम फिर से सब बना सकते हैं, है ना? वाह, इसे कहते हैं म्यूजिक। ए, रुको, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ क्या चल रहा है? सूजी, तुम क्या कर रही हो? और ये कौन लोग हैं? तुम मेरे एरिया में नहीं आ सकती। इस बात को हम मान गए हैं। ये वर्कर्स हैं और ये सब मेरे हिस्से को सजाने की मेरी मदद करेंगे। सजाना है? तुम्हें इतने सारे वर्कर्स की क्यों जरूरत है? तुम्हें महल नहीं बनाना है? ये तुम्हें कैसे पता? शायद महली हो। मुझे ये प्लान दो। ए, इसे वापस करो। रुको, तुम सीमा पार नहीं कर सकती। है ठीक है, मेरा काम हो चुका है। हो गया, हमारा पैसा कहाँ है? ये रहे पैसे। धन्यवाद। ये कैसा प्लान है? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे एक कमरे को ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। मैं कुछ ही समय में अपने लिए बिस्तर के नीचे एक अच्छा घर बना लूंगी। और किसी वर्कर की जरूरत नहीं है। हालांकि ये मेरे तकिए को रखना नहीं चाहते। ये तुम क्या कर रही हो? ये मेरा आइडिया था। तुम्हें शर्म नहीं आती, चोर कहीं की? ये तुम्हारा आइडिया नहीं था कि बिस्तर के नीचे घर बनाना है। तुम मुझे दोष मत दो। खैर, मेरा घर ज्यादा अच्छा है। उफ, मुझे पता है, और इसके बारे में कुछ करना होगा। देखो जैस, तुम्हें जलन हो रही है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। असल में मैं भी अपने लिए एक अच्छी जगह बनाऊंगी। वाह, खिलौनों पर डिस्काउंट। मुझे इस स्टोर पर जाना चाहिए। हाथ हटाओ, कुछ भी मत छुओ। तुम इसे केवल देख सकती हो। ठीक है ठीक है, मैं बस देख रही थी। कोई भी मेरे खिलौनों के छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूँ। यह हगी वगी है। हाथ हटाओ। हाँ हाँ, मुझे याद है। वाह, यहाँ तो इतना बड़ा हगी वगी भी है। बेशक मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगी। अभी गार्ड नहीं देख रहा है। क्या हुआ? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या? हेलो दोस्त, कैसे हो? खिलौना बात कर रहा है, बचाओ! मुझे तुरंत अपने सीक्रेट रूम में जाना होगा। कितना भयानक! आशा करता हूँ कि कोई मुझे यहाँ ढूंढ नहीं पाएगा। ओह, मैं यहाँ रिलैक्स कर पाऊंगा। हेलो प्यारी छोटी बत्तख, तुम्हें पता नहीं कि मैंने क्या क्या देखा है। कितना डरपोक गार्ड है, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ, इसलिए मैं सारे पैसे यहाँ रख देती हूँ। मुझे यकीन है वह काफी होंगे। हे सूजी, अब मेरे पास भी अपने रूम को सजाने के लिए कुछ है, और यह सच में बहुत अच्छा है। यह हगी वगी बेड है। हाँ, जैस अजीब तरह की है। अब एक आरामदायक माहौल बनाने के लिए पोस्टर और दूसरे तरह की अच्छी चीजों से कमरे को सजाने का समय है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है।
हाँ, मेरा कमरा तुमसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। मुझे लगता है कि मैं कमरे को और अधिक सुंदर बनाने के लिए कोई तरीका निकालूंगी, पर इसके लिए मुझे कहीं जाना होगा। तुमने यहाँ क्या बनाया है? पापा, क्या मैं आपका बैग ले सकती हूँ? मुझे गुलाबी बैग चाहिए या बैकपैक? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत प्यारे हैं। हाँ, यह बहुत अच्छा है, असली महल बनाए गए हैं। हाँ, वह कौन है? जैसे कि मैं डरी थी, हगी वगी सभी बाहरी लोगों से अच्छी सुरक्षा है। गुड आफ्टरनून, मैं अपना एसी ले आई हूँ, क्या आप इसे चेक कर लेंगी? जरूर, आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया। सुनिए, आपको जरूर भूख लग गई होगी, क्या आपको यह सेब चाहिए? मेरे पास एक पड़ा हुआ है। हाँ, क्यों नहीं। ओह सॉरी, यह गलती से हो गया, अगली बार हाथ में देना, यह मौका है। माफ करना, लेकिन मुझे बोर्ड की ज्यादा जरूरत है। मैंने उसे ढूंढ लिया। अरे सूजी, तुम कहाँ हो? और मेरा बोर्ड कहाँ है? अब मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी? मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, मैं अपनी सभी भावनाओं को बाहर निकालने का तरीका जानती हूँ। यह रहा, यह लो, चोर, तुमने सेब कहा? यह रहा सेब तुम्हारे लिए, और यह बोर्ड के लिए। मोनिका पावर, जेस, अब मेरे पास तुम्हारे पोस्टर की तुलना में कुछ ज्यादा अच्छा है। मैं खुद कोई भी पोस्टर बना सकती हूँ। देखो और मुझसे जलो। क्या तुम्हें बोर्ड कहाँ से मिला? और तुम्हें ये क्यों चाहिए? तुम्हें वैसे भी कुछ बनाना नहीं आता, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें अब मैं दिखाती हूँ। तुम क्या कर रही? अच्छी, यह तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें हमेशा ऐसे दिखना चाहिए। तुम्हें यह मजाक लग रहा है? तुम्हारी वजह से अब मुझे जाना होगा। बोर्ड वाला मेरा आइडिया कमाल का था, एक विशाल ड्राइंग से बेहतर क्या हो सकता है जिसे हमेशा बदला जा सकता है। अब सिर्फ अपने कमरे को बहुत सारे खिलौने से सजाना बचा है, जैसे कि यह लैंप जो यूनिकॉर्न शेप में है। वैसे अब तुम इसे खरीद भी नहीं सकती, सारे बिक चुके हैं। लैंप, जब लाइट्स की पूरी चेन हो तो उस लैंप की किसी जरूरत है? देखो यह कितना सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहा है। वाह, यह सच में बहुत खूबसूरत दिख रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? अब मेरा यूनिकॉर्न बेचारा सा दिख रहा है, वह पक्का है। मेरे लाइट्स के सामने तो कुछ भी नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी कुछ अच्छा चाहिए, और मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि मुझे कहाँ मिल सकता है। मेरा एक छोटा सा दोस्त है, मैं हल्क हूँ, दुष्ट और डरावना हल्क। हाय क्विंटन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे वो टेडी बेयर चाहिए, क्या मैं ये ले लूँ? मेरा टेडी बेयर? पर मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए नहीं, तुम नहीं ले सकती। No. तुम इतने लालची कैसे हो सकते हो? और अगर मैं तुम्हें कुछ दूँ तो, जैसे कि न्यूट्रेला? बेशक मैं एक छोटा बच्चा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि एक छोटा जार है और बेयर बहुत बड़ा। तुम कितने लालची हो। और ये चिप्स कैसा रहेगा? बड़े प्रिंगल्स? चिप्स? हाँ, मैं चिप्स को मना नहीं करूँगा, लेकिन इतना काफी नहीं होगा, मुझे कुछ और चाहिए। और मेरे पास केवल एक बकेट आइसक्रीम बची है, इससे काम चलेगा? वाह हाँ, इसे यहाँ दे दो। क्या मैं टेडी बियर ले सकती हूँ? ठीक है, बस मुझे मेरी आइसक्रीम दे दो। अरे बहुत बहुत धन्यवाद क्विंटन, मैं जा रही हूँ। ए, यह क्या है? आइसक्रीम किधर है? तो तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्विंटन को धोखा देने का मतलब क्या होता है। मुझे तुरंत अपने केबिन में जाना है। देखो मेरे वफादार सहायक, उस लड़की ने मुझे धोखा दिया है, उसके साथ कुछ किया जाना चाहिए, जैसे कि उसकी तस्वीर पर मूंछ बनाना। मैं दुष्ट जीनियस हूँ, तुम्हारे साथ सही हुआ, झूठी सूजी। जाहिर तौर पर उसे समझ नहीं आई कि मैंने उसे धोखा दिया है, पर मैं भालू लेने में कामयाब रही और मैं अपने लिए बादल बना पाऊंगी।
अलग अलग रंगों से चमकेंगे मेरे बादल। ये कितना सुंदर है। मुझे तो लगता है कि नाइट लाइट किसी भी माला से बेहतर है। मुझे जरूर कुछ खाने का मन करेगा, इसलिए मैं अलग अलग कैंडीज के साथ फ्रिज रखने में कोई हर्ज नहीं है। फ्रिज? लेकिन मेरे लिए काफी नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि सही कहाँ मिलता है। माँ माफ करना, लेकिन मैं इसे बाद में जरूर लौटा दूंगी। अरे वाह, तुम्हें इतना बड़ा फ्रिज चाहिए? खाना कभी ज्यादा नहीं होता है। जेस? और हमारा फ्रिज कहाँ है? और नैचोस किधर गए? वो मेहमानों के लिए थे। ये क्या हो रहा है? सब कहाँ चला जा रहा है? एक मिनट के लिए भी पीछे नहीं घूम सकते। आशा करती हूँ कि कम से कम केक बच जाए। रुको, मुझे समझ आ गया था कि ये तुम ही हो। ओह, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे तुरंत अपने छोटे घर में जाना होगा। तुम कैसे हो छोटे मकड़े? मैं अपना तनाव दूर करने के लिए आई हूँ। तुम्हें पता नहीं मैं उन बदमाशों के साथ रहना कितना मुश्किल है। लेकिन मैं यहाँ सब कुछ भूल सकती हूँ और बस आराम कर सकती हूँ। इतनी देर से तुम कहाँ थी और तुम्हें ये केक कहाँ से मिला? तुम्हें सिर्फ मुझसे जलन हो रही है क्योंकि तुम्हारे पास केक नहीं है। और तुम इसके साथ क्या करने जा रही हो? हगी वगी के साथ टी पार्टी करूंगी। इसे अपने दोस्त के साथ शेयर करो तो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ लेटे लेटे बहुत थक गई हूँ। जब कमरे में टीवी हो तो सब ठीक है, अच्छी चीजें देख सकते हैं। बिल्कुल, मुझे तुरंत एक टीवी चाहिए। आशा करती हूँ कि नाराज नहीं होंगे, क्योंकि मुझे वास्तव में टीवी की जरूरत है। पापा इस बात को समझेंगे। हे, तुम क्या कर रही हो? हेलो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी देखा कि टीवी टेढ़ा था। ओह, धन्यवाद। रुको, मेरा टीवी कहाँ गया? चोर, वो कहाँ गया? दिन दहाड़े चोरी, शर्म नहीं आती? मुझे केबिन जाना है। डियर, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक ले आई हूँ। तुम्हें कोक चाहिए? अजीब है, वो यहाँ क्या कर रहा है? वाह, दरवाजा बंद करो। ये तुमने क्या किया? ये पापा की टीवी है। What? तुम्हें डर नहीं है? क्यों? छोड़ो, तुम बस मुझसे जल रही हो। अब मैं जो चाहूँ देख और सुन सकती हूँ। मैं थक गई हूँ और बोर भी हो गई हूँ, लेकिन मुझे अभी बहुत मजा आने वाला है। देखो मैं अभी क्या लेकर आई हूँ। यह असली डांस बैटल है, मैं इसे तुरंत कर लूंगी। देखो और सीखो। क्या? मैं तुम्हें तुरंत हरा दूंगी, खुद ही देखो और सीखो। वाह, यह कितना अच्छा है। हाँ बहन, हमें इसी तरह से मस्ती करनी चाहिए। हाँ वो तो है।
यह क्या है? यह कुकी की तरह दिखता है लेकिन यह अजीब लगता है। यह कितना मीठा है, मुझे यह पसंद है। डैड तुम जल्दी कर रहे हो, आओ पहले कार्ड ले। ठीक है तुम जो भी कहो, बस अब मुझे मत मारो। खैर मुझे बिना हाथों के कुकीज काटनी होंगी। तुम्हारे साथ बुरा हुआ और हम लकी निकले, तुम बहुत मतलबी हो। खैर कोई बात नहीं, मैं वैसे भी मैनेज कर लूंगी। ऐसा लगता है मैं जल्दी करनी होगी, बर्बाद करने के लिए कुछ समय नहीं है। यह अच्छा है कि मैं दो हाथों का उपयोग कर सकती हूँ, इसलिए चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी। वो पक्का है मैं एक हाथ से कुछ नहीं कर सकता, शायद सारे एक्स्ट्रास को कुतर लूं तो बात बन जाए। यह मत सोचो कि मैं हार मानने वाला हूँ सूजी, वैसे ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन मैं बिना हाथों के क्या कर सकती हूँ? ऐसा लगता है केवल एक ही रास्ता है, मुझे अपने माथे का उपयोग करना होगा। आह दर्द हुआ, लेकिन यह काम करता है। वाह मेरे पास जीतने का हर मौका है। ऐसा लग रहा है कि लूसी भी नहीं रुकेगी, मुझे इसे बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। अरे नहीं मेरी कुकी टूट गई। ओह यह क्या है, मुझे ये पसंद नहीं है, बस काफी हो गया। अफसोस इस बार दो हाथों ने भी मुझे नहीं बचाया, मैं लूजर हूँ। मैं सूजी की तरह नहीं होना चाहता। लूसी चलो काम पर लग जाओ अभी। मैं भी हार गई, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी, ये शुरू होने वाला है। मैं अपना सिर ढक लेता हूँ, कितना गीला अजीब महसूस हो रहा है। सिर्फ मैं ही बचा हूँ, मैं हार नहीं मान सकता, नहीं तो सब कुछ बुरी तरह खत्म हो जाएगा। है समय समाप्त हो गया। वाह मैंने कर दिखाया, ये एक जीत है। यह उचित नहीं है, तुम बस भाग्यशाली हो। तुम नाराज क्यों हो, इसे रोको, बस करो। फ्रेंच फ्राइज और सॉस, सुपर, आखिरकार हम ठीक से खा सकते हैं। यह कार्ड मेरा है। दो हाथ, वाह मुझे खुशी कि मैंने यह कार्ड लिया। मेरे पास एक है, यह भी बुरा नहीं है। मैं बदकिस्मत हूँ। मेरा सुझाव है कि हम शुरू करें, मैं तैयार हूँ। मैं इस आलू को आजमाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। ओ नहीं मैं क्या देख रही हूँ, चिली सॉस, यह बुरी तरह खत्म हो सकता है। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं कोई चाल है, मुझे तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। अब तक तो सब ठीक है, असल में तुम्हारे मुँह से धुआं निकल रहा है और अब कान, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ओह अब बेहतर है, सच कहूँ तो तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। मुझे यह कल्पना करने में डर लग रहा है कि हमारे साथ क्या होगा। शायद ये इतना डरावना नहीं है सूजी, मैं इस सॉस को ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। बस ध्यान रखना है कि ज्यादा नहीं डालना है, बस हो गया इतना काफी होगा। तुम्हें क्या लगता है कि इतना कम डालने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, और सॉस चाहिए। बोन एपेटी। ये सब बहुत अच्छी तरह से शुरू हुआ लेकिन तुमने मेरा खाना बर्बाद कर दिया। मुझे यकीन है इसके बाद मेरा सिर फट जाएगा। खैर कुछ कर नहीं सकते, बस मुझे शुभकामनाएं दो। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना खराब होगा। ओह लगता है मैं गर्म हो रहा हूँ। अरे नहीं आग लगने वाली है, बचाओ। हैड तुम कैसे हो? मैंने अपना हाथ जला लिया। कितनी अच्छी हवा है, रुको मत, हालांकि बहुत ज्यादा, मेरा पूरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। डैड ये काफी है। ठीक है अब बेहतर महसूस हो रहा है, तुम क्या सोच रहे हो? अब तुम्हारी बारी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जितना संभव हो देरी करना चाहिए, यह करने का समय है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत स्वादिष्ट, मुझे फ्रेंच फ्राइज पसंद है। लेकिन तुम सॉस के बारे में पूरी तरह से भूल गई, चलो इसे डालो। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन सब कुछ इतना अच्छा शुरू हुआ, इसे खराब क्यों करना? मुझे तुम्हारी मदद करने दो सूजी, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं गर्म हो रही हूँ, बचाओ। वाह कितना सुंदर, एक असली फायर शो। चश्मा लगाने की जरूरत है, आग अंधा कर रही है। तुम क्यों बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे हो? उधर देखो सूजी। ओह मैं क्या देख रही हूँ, मैंने छत जला दिया। लेकिन अब हमारे पास एक अद्भुत दृश्य है। ओ, यह क्या है? जी, घिनौना, बेवकूफ चिड़िया। यह किस्मत की बात है, इसमें मजाक वाली कोई बात नहीं है। वाह काला गम, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। आओ जल्दी कार्ड खोले, काश मैं भाग्यशाली निकलूं। ओ हाँ ब्रह्मांड ने मुझे सुना है।
सिर्फ एक हाथ, यह भी बुरा नहीं है। हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं बिना हाथों के खाना नहीं चाहती। ओह चलो, इस तरह या उस तरह हमें से प्रत्येक को च्युइंगम मिलेगा। हालांकि यह तुम्हारे खाने की तुलना में मेरे लिए बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। वाह, वह कितनी खूबसूरत है और उसकी खुशबू मुझे दीवाना कर रही है। स्वादिष्ट खाने का समय आ गया है। बहुत बढ़िया, मुझे वास्तव में यह पसंद है। अभी बहुत कुछ बाकी है, मुझे सब कुछ एक साथ चाहिए। डैड, तुम ऐसे कर रहे हो जैसे तुमने कभी च्युइंगम ही नहीं खाया है। मैं सिर्फ जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। ज्यादा नखरे मत करो, देखो मैं कितना अच्छा बबल बनाऊंगा। ओह, यह बहुत दिलचस्प है और मैं इसे फोड़ दूंगी। क्या बेवकूफी भरा मजाक है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। मुझे लूसी को बुरे व्यवहार के लिए सबक सिखाना होगा। ज्यादा गुस्सा मत करो टेड, और अब मैं नाराज नहीं हूँ। ये तुमने क्या कर दिया? मैं अपना हाथ नहीं हिला सकती। वह गम तुम्हारी लार में है, ये नौना। मैंने बस थोड़ा मजाक करने का सोचा था, जैसे कि तुमने मेरे साथ किया था। मेरी भूख ही खत्म हो गई है, मैं अब अपना गम कैसे खोलूंगी, क्योंकि मैं केवल एक हाथ का उपयोग कर सकती हूँ। मदद करो, मैं फंस गई हूँ। ओह, ये अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, धन्यवाद टेडी, मैं याद रखूंगी कि तुमने क्या किया है। हम सूजी के बारे में पूरी तरह से भूल गए, अब उसकी बारी है। मुझे डर है कि आसान नहीं होगा, गम मुझसे दूर फिसलता जा रहा है, इसे कैसे खोलूं? कोशिश करो, तुम्हें सफल होना चाहिए। अरे नहीं, मैंने इसे डस्टबिन में गिरा दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी सांस रोकनी होगी और उसे पाने की कोशिश करनी होगी। सावधान सूजी, सारा कचरा हम पर उड़ रहा है। मेरी मदद करो, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। ओह, उसके सिर पर डस्टबिन है, क्या मोड़ है। सूजी, आवाज पर ध्यान देकर आगे बढ़ो, हम यहाँ हैं, इधर बैठ जाओ। मैं अपना गम निकालने में कामयाब रही और उसके साथ बहुत सारा कचरा। तो क्या, ये इसके लायक था। कितना स्वादिष्ट है। देखो यह फैंटा है, कितनी बड़ी बोतल है, सुपर। कार्ड के बारे में मत भूलना, आइए देखें कि मेरे पास क्या है। आखिरकार दो हाथ, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। मेरे पास फिर से एक है, पहले से ही एक परंपरा है। यह पता चला है कि मुझे बिना हाथों के फैंटा पीना है। बुरी खबर है, मुझे नहीं लगता कि यह सुविधाजनक है। अपने हाथ छिपाओ टेड, ये नियम है। ठीक है, वैसे भी तुमसे बहस करना बेकार है, तुम सही कह रहे हो। इस स्वादिष्ट को आजमाने का समय आ गया है। यह पता चला है कि ढक्कन को दो हाथों से खोलना बहुत सुविधाजनक है और बोतल को पकड़ना और भी सुविधाजनक। कितना अच्छा स्वाद है, मैं खुश हूँ, मैं रुकना नहीं चाहती। मैं हर आखिरी बूंद पीने को तैयार हूँ, मुझे फैंटा पसंद है। ओह, मैंने आखिरकार अपनी प्यास बुझा ली है। ओह, मुझे लगता है कि बोतल मेरे होठों से चिपक गई है। वाह, यह मजेदार है। हंसो मत टेड, सूजी मुझे तुम्हारी मदद करने दो। धन्यवाद लूसी, तुम एक सच्ची दोस्त हो। ओ मेरे होठ, अब कितना दुख रहा है, मैं उन्हें छू नहीं सकती। मैंने तुमसे कहा था हंसो मत, यह गलत बात है। खैर, तरोताजा होने की मेरी बारी है। मुझे उम्मीद है मैं एक हाथ से बोतल खोल सकती हूँ। ओह, यह इतना आसान नहीं है। मुझे पता है कि अगर मेज पर गर्दन मारते हैं तो यह काम कर सकता है। ऐसा लगता है कि यह लाइफ हैक काम नहीं कर रहा है। ओह, मैंने सोडा को बहुत हिला दिया है। अरे नहीं, एक विस्फोट होने जा रहा है। ओह, मुझे डर लग रहा है। तुमने क्या किया है लूसी? माफ करना, मैं बस बोतल खोलना चाहती थी। खैर, सारा सोडा गिर गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, यह उचित नहीं है। तुम हम सबको गीला कर रही हो, मुझे खेद है लेकिन कुछ भी नहीं बदल सकता। यह अच्छा है कि मेरी बोतल अभी भी भरी हुई है। बस केवल यह पता लगाना है कि इसे कैसे खोले। मैं अपने दांत से कोशिश करूंगा, ये मजबूत है। हाँ, यह काम किया और अब पी सकते हैं। तुम यह कैसे कर पा रहे हो? विश्वास नहीं हो रहा है। जब मीठा खाने की बात हो तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सच कहूँ तो यह बहुत गंदा लग रहा है। तुम ठीक कह रही हो सूजी, तुम सिर्फ मुझसे ईर्ष्या कर रहे हो। देखो, मैंने लगभग सब कुछ पी लिया है, यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था।